दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में। 3 अगस्त 2020 को संपूर्ण भारतवर्ष में रक्षाबंधन महापर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इसी दिवस को एक ऐतिहासिक दिवस का रूप देते हुए बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में ग्रीन पार्क दिल्ली में रक्षाबंधन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के नित्य नियम पूजन मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा से किया जाता है। पावन चरणों में मन से वचन से काय से नमोस्तु पूर्वक चलादि अर्घम निर्वामिति यवली आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की। सभी लोग हाथ जोड़ के बोलेंगे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो सब लोग बोलो आदिनाथ की, बोलो श्री अश्नाथ की, बोलो अरिंद्रनाथ की, बोलो कश्यपनाचार्य की। जोर से बोलो सब लोग, ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। कश्यपनाचार्य की, बोलो विष्णु कुमार की, बोलो सरस्वतियों की, बोलो भक्तांबर विहान की, बोलो रक्षाबंधन पर्व की, बोलो देवी धर्म की, बोलो शांति नाथ। ओम नमो भगवते भगवती श्रीमती श्री पारस शंकराय
पति कमलिका कमल तरि तरि सुर सो मंदि को पति खंकरि श्याम सिनाति जनंति ति बोल बंदि आनंद कंदे सुपि नंदे फले ने कंदे मूरन चंद ज्योति मंदे ओम नीम से शास्त्र जिंद्रा नमः कामण साय पुष्प निर्माण दी तुम मिले नीम निदहि लक कर चौंक रहे सुख शांसिनाति जिनंदिति वन बंदिया नंद कंदे है दुखे नंद फंदे ने कंदे पूरं चंद ज्योति है मंदे है ओम रीम सी कह रहा है देखिए यहाँ पर नैन किटी पिलो देव का चल ज्ञान हो शांसिनाति जिनंदिति वन बंदिया नंद कंदे है दुखे नंद फंदे ने कंदे पूरं चंद ज्योति है मंदे है ओम ब्रह्म श्री शासना जिनंदाय मोहन कर विनाशना दीपम निर्मामिति वरिय वरि भर जाईया शांसिनाति जिनंदिति वो निबंदी आनंद कंदे है दुखी दंदे फंदे ने कंदे पूरन चंदे ज्योति मंदे है ओम ब्रह्म श्री शासना जिनंदाय अष्टम देने दीपम निर्मामिति स्वाहा चरण जग प्रभु शांसिनाति जिनंदिति वन बंदी आनंद कंदे है दुखी नंदे फंदे ने कंदे पूरन चंद ज्योति मंदे ओ प्रेम श्री श्यामस्ता जिंद्रे नमः अनिल पुताय करिगर निर्वाण दी स्वामी जीवी श्यामस्ता भगवान की जय चलिए हां परिचर्या पर चलेंगे उसके बाद में निर्वाण पाठ पढ़ के लड्डू स्वामी क्या रहेगा अब ने सिद्धि नहीं बंदी पाप ने कंदी जो है गादन पाप तुहे ओम ब्रह्म श्री शासना जिनंदाय जय माला गुणल कम निर्पामिति पहले पट्ट कल्याण कौन मार उस मोते जजी गई विमलोर जी की कृष्ण चटे में को सुर नर मंगल गाय हो जो मैं न सिकर उठाई को ओम ब्रह्म श्री जित जिस गर्भ पर गया ओम ब्रह्म श्री जिस कृष्ण सुष्मा ग्रुप में ऐसी शास्त्र दायिन मार्ग में पाम दी इस नाम जनमी पाल बनकारी एकादश तीन धाय धारी इका ओवर देखो नेता ऐसी शास्त्र दायिन मार आरेखम दरी पाम दी इस नाम अवन ने भोगी वशारा लक्ष्या क्या ज्योति रसुद तप धारा आरुण बदी के यारा में पोजो पति अटकारा ओरी पाल के शिकर संधि निर्माण पले प्राप्त कर ऐसी शास्त्र दायिन मार आरेखम पांडव पश्चिम दिशा दे चक्री लक्ष्म कुमार मैं पूजो आप निकट आवनी को ओम रीम श्रावक शुक्ल
ஆராய்ச்சி ओम
मार्ग पांडी ओपनिंग प्रतिनामनीय मार्ग पांडी ओपनिंग चतुर्थनीय मार्ग पांडी ओपनिंग चतुर्थनीय मार्ग पांडी ओपनिंग संस्कृतिनीय मार्ग पांडी ओपनिंग अमरकेतिनीय मार्ग पांडी ओपनिंग अनंतकेतिनीय मार्ग पांडी ओपनिंग अभिचंद्रनीय मार्ग पांडी ओपनिंग चंद्रनीय मार्ग पांडी ओपनिंग महापदनीय मार्ग पांडी ओपनिंग चक्रनीय मार्ग पांडी ओपनिंग पीतकनीय मार्ग पांडी ओपनिंग कृष्णनीय मार्ग पांडी स्वाहा चलिकानीय मार्ग पांडी ओपनिंग भास्करनीय मार्ग पांडी ओपनिंग विपिनीय मार्ग पांडी ओपनिंग संपत्तिनीय मार्ग पांडी ओपनिंग सर्वनीय मार्ग पांडी ओपनिंग सर्वनीय मार्ग पांडी ओपनिंग हरिमनीय मार्ग पांडी ओपनिंग सकलनीय मार्ग पांडी ओपनिंग सर्वनीय मार्ग पांडी ओपनिंग प्रसिद्धनीय मार्ग पांडी ओपनिंग सुतनीय मार्ग पांडी ओपनिंग प्रसिद्धनीय मार्ग पांडी ओपनिंग हरिमनीय मार्ग पांडी ओपनिंग अमरप्रभनीय मार्ग पांडी ओम नमः सुप्रभात नमः स्वाहा।
श्री पूनम जी मठ अंदर सुनने वाले पावनी ओम नमः 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 बहुति सुनने वाले पावनी ओम नमः चित्त सुनने वाले पावनी ओम नमः चक्र सुनने वाले पावनी ओम नमः तेज सुनने वाले पावनी ओम नमः चंद्रमा सुनने वाले पावनी ओम नमः धन सुनने वाले पावनी ओम नमः सुजन सुनने वाले पावनी ओम नमः नदी सुनने वाले पावनी ओम नमः नदी सुनने वाले पावनी ओम नमः वायु सुनने वाले पावनी ओम नमः कीर्ति मन सुनने वाले पावनी ओम नमः स्मृति सुनने वाले पावनी ओम नमः मंगल सुनने वाले पावनी मनसे बुद्धि सुनने वाले पावनी ओम नमः धनुष सुनने वाले पावनी ओम नमः परिश सुनने वाले पावनी ओम नमः चित्त सुनने वाले पावनी ओम नमः चित्त सुनने वाले पावनी ओम नमः चित्त सुनने वाले पावनी ओम नमः लोक सुनने वाले पावनी ओम नमः प्रभु सुनने वाले पावनी ओम नमः चित्त सुनने वाले पावनी ओम नमः सुनने सुनने वाले पावनी ओम नमः वेद सुनने वाले पावनी ओम नमः श्रवण सुनने वाले पावनी ओम नमः कथा सुनने वाले पावनी ओम नमः अचल सुनने वाले पावनी ओम नमः गति सुनने वाले पावनी ओम नमः मुक्ति सुनने वाले पावनी ओम नमः प्राण सुनने वाले पावनी ओम नमः जीवन सुनने वाले पावनी ओम नमः सुख सुनने वाले पावनी ओम नमः विवेक सुनने वाले पावनी ओम नमः धैर्य सुनने वाले पावनी ओम नमः ओम नमः चक्र सुनने वाले पावनी अरे पकड़ पकड़ ओमनी
சகோதரனே மாமதி ஓமரி குமாரனே மாமதி ஓமரி கிருபமாமே மாமதி ஓமரி மா இது கிட்டிமே மாமரே மாமதி திரும்பி ஓமரி கர்க்கிதேனே மாமதி ஓமரி கிருபமாமே மாமதி ஓமரி சகோதரனே மாமதி ஓமரி குணேஸ்வரனே மாமதி ஓமரி சுவத்னே மாமதி ஓமரி வித்யாதனே மாமதி ஓமரி அப்பாங்கே மாமதி ஓமரி கம்பரதனே மாமதி ஓமரி மாஸ்தனே மாமதி ஓமரி குணலமே மாமதி ओमरी अनुपमने वाले मांदी ओमरी अनुपमने वाले मांदी ओमरी सुपने वाले मांदी ओमरी सुपने वाले मांदी वाले मांदी ओमरी पुतिवान्ने वाले मांदी ओमरी पुतिवान्ने वाले मांदी ओमरी मोहितुपने वाले मांदी ओमरी प्रदर्शने वाले मांदी ओमरी वसंतने वाले मांदी ओमरी वास्तिकने वाले मांदी प्रदाली ओमरी मधुरापीर सुनने वाले मांदी ओमरी 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 साधकने वाले मांदी ओमरी विद्युतने वाले मांदी ओमरी प्रसंसकने वाले मांदी ओमरी सुनने वाले मांदी ओमरी मनने वाले मांदी ओमरी केवल देने वाले मांदी ओमरी मनमनने वाले मांदी ओमरी सुनने वाले मांदी ओमरी जपने वाले मांदी ओमरी महने वाले मांदी ओमरी पाठने वाले मांदी ओमरी प्रकटने वाले मांदी ओमरी संयम प्रकटने वाले मांदी ओमरी तपसरने वाले मांदी ओमरी आकर्षणने वाले मांदी ओमरी अकलसुनने वाले मांदी ओमरी मनसने वाले मांदी ओमरी कनकने वाले मांदी ओमरी उपदपने वाले मांदी ओमरी गोदपने वाले मांदी ओमरी आराधने वाले मांदी ओमरी कृपाचरने वाले मांदी ओमरी कृपा वर्णनने वाले मांदी ओमरी रचने वाले मांदी ओमरी महामनने वाले मांदी ओमरी तसेगने वाले मांदी ओमरी सुनने वाले मांदी ओमरी जीवासने वाले मांदी ओमरी रचने वाले मांदी प्रताप सती जी ओमरी अनुरूपने वाले मांदी ओमरी अनुरूपने वाले मांदी ओमरी कृपाचरने वाले मांदी ओमरी अनुरूपने वाले मांदी ओमरी कृपाचरने वाले मांदी ओमरी सुभानने वाले मांदी ओमरी विद्यांतने वाले मांदी ओमरी प्रपन्नने वाले मांदी ओमरी चिन्हने वाले मांदी ओमरी कृपाशक्तिने वाले मांदी ओमरी विस्तृतने वाले मांदी ओमरी ओमरी है सपेक्षणने वाले मांदी सपने वाले मांदी ओमरी बलि सकने वाले मांदी ओमरी सुपने वाले मांदी ओमरी श्रावकों का क्या कर्तव्य है, मुनियों के प्रति हम क्या करें,
इस बात को समझने की आवश्यकता है। मुझे कोरोना के कारण मुनि दीक्षा समारोह में मैं उपस्थित हो नहीं सका, इसलिए मैं पूज्य आचार्य श्री के चरणों में क्षमा अपना पूर्वक वंदन करता हूँ पूरे संघ का, क्योंकि जहाँ जहाँ मुनि दीक्षाएं वैराग्य वर्धक प्रसंग और संलेखना होते हैं वहाँ पर जाना निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, अपने आप पहुँचना चाहिए, सूचना मिलते हैं। और हम सबका क्या कर्तव्य है, कहीं पर भी इस तरह का उत्सव हो, धर्मानुरागी सामने मिल जाए, जय जिनेन्द्र मत करो, सूचना दे दो उनको अमुक जगह पर ये कार्य हो रहा है। आपके उस कहने से कितने जीवों के वैराग्य भाव बढ़ेंगे और संसार के बंधन से, संसार के अनेक दुखों से छुटकारा पाएंगे। हमने वैराग्य प्रसंग पूज्य आचार्य श्री के करकमलों से मुनि श्री पुण्य कीर्ति जी का भव्य वैभवपूर्ण उत्सव सुना और देखा। मैं तो घर बैठ के देख रहा था। वस्तुतः मुनि दीक्षा का अवसर हम सब जानते नहीं है। हम जानते हैं शादी करना, घर बनाना, गृहस्थी बढ़ाना, संतान के नामकरण करना जानते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्रसंग है पूरे के पूरे संसार के वृद्धि को नष्ट करना, संसार के बीज को समाप्त करना और वैराग्य को धारण करना, जिनके मुखमंडल से हमें जिनेन्द्र भगवान का आभास हो ऐसी मुद्रा का अवलोकन करना अत्यंत पुण्यप्रद अवसर है। वस्तुतः आज पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में मैं उपस्थित होकर के अपने आप को धन्य मान रहा हूँ। श्रावण महीना इसलिए है, श्रवण नक्षत्र पर ही पूर्णिमा होती है, और वस्तुतः आज के दिन श्रवण नक्षत्र पर ही पूर्णिमा है। इसी नक्षत्र पर श्रवणों की रक्षा हुई थी, श्रमणों की रक्षा हुई थी। श्रमण, श्रमणा, श्रवणी, श्रावक, श्राविका, यह चतुर्विध संध की व्यवस्था है। मैं एक छंद आपको सुनाया नवदा भक्ति का। नवदा भक्ति के छंद से पहले एक बात मैं बताना अवश्य समझता हूँ, रक्षाबंधन पर उपसर्ग का क्यों उत्पन्न हुआ सोचने की बात है। कथा तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आचार्य अकंपन सात सौ मुनियों के संघ के साथ थे, उनके संघ पर उपद्रव आया, इसलिए मैं मंदिर में बैठा हूँ, जिनेन्द्र देव के सम्मुख हूँ, साक्षात गुरुदेव विराजमान है। एक संघ के एक मुनिराज ने संघ के अनुशासन को छोड़ करके रास्ते पे खड़े होकर अपने जैन धर्म की ज्यादा चर्चा कर ली थी, इसके कारण विपदा आई और उस विपदा को राजसभा तक भोगना पड़ा और जैन धर्म संकट पर आ गया। ऐसे विपदाएं हमने समय समय पर बहुत प्राप्त कर चुके हैं। 700 मुनियों को पेला हुआ है, इसमें जानते हैं आप सब जवाब दे रहे हैं, मुंह पट्टी बंदी है तो बोल नहीं रहे। जिन मंदिर टूटे हैं, श्वेतांबर साधु लिखते हैं ग्रंथ का नाम खंड हरों का वैभव, खोज की पगडंडिया भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, वो क्या लिखते हैं, हमारी अज्ञानता के कारण हम अपने मंदिरों को खुद ही हमने अपने मट्टी से मंदिरों को जमीन में दबा दिया, मूर्तियों को दबा दिया, और कुछ हमारे मित्रों ने मूर्तियों को तोड़ा, श्रमणों को खत्म किया, आगमों को खत्म किया। तो आज का पर्व हमें यह संदेश देता है हम अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, किसी धर्म के प्रति अनादर का शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, करें मंदिर के चौखट के बीच में बैठ कर वहां दार्शनिक चिंतन करो, वैदिक दर्शन क्या कहता है, जैन दर्शन क्या कहता है, ईश्वर करता है कि नहीं, प्रतिदिन हम बोलते हैं भगवान ने क्या मेरा गृहस्थी बनाया, अरे भगवान थोड़ी बनाया, हम बोलते अज्ञानता से, इस तरह की बातें हमारे जीवन में न आवे। आज पूज्य आचार्य श्री को मैं सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उस उत्सव पर आने के बाद आचार्य श्री आज कोरोना प्रसंग में भी जन आंदोलन करके घर घर तक जैन धर्म को पहुंचाकर
जैन धर्म की महती को राजधानी दिल्ली में जीवन किया है। हम सब का गौरव का यह प्रसंग है। पूजा आचार्य श्री ने कभी बीमारी से डरे नहीं, एक साधु को और दीक्षा करके अपने संघ को विकास किया। कोरोना हमें कुछ नहीं करता, क्यों? वीरेंद्र देव की शक्ति, वो तप की शक्ति, वो भक्ति की शक्ति और वो साधना की शक्ति हमारे पास मौजूद है। महानुभव पूरे वैराग्य के प्रसंग मुनि पुण्य कीर्ति जी का मैंने आंखों से शुभ कीर्ति सागर जी महाराज जी का मैंने पूरा उत्सव देखा। 2.5 घंटे कार्यक्रम चला, आनंद विभोर हो चुका था। इतने शास्त्रीय परंपरा से, मंत्रोच्चारण से, धर्म विधि से समाज के एक एक अंग को जोड़ करके महाराज जी सखिया लिखवाने से लेकर आसन पर बिठाने से लेकर केशलोक से लेकर नामकरण से लेकर पिछी प्रदान, कमंडल प्रदान, शास्त्र प्रदान, माला प्रदान आदि शास्त्रोक्त विधि से, मंत्र विधि से किया। ये इस ग्रीन पार्क जैन समाज का बहुत बड़ा गौरव का, यहाँ आध्यात्मिक शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही है। इस केंद्र के शिखर से, ध्वजा से, कलश से निरंतर पूरे विश्व के शांति के लिए मंत्र की शक्ति जा करके अनेक समस्याओं को हल कर रही है। महानुभव आचार्य शोभा के साथ सागर जी के गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी, वो भी उपसर्ग विजेता है। जैन धर्म के विकास में उनकी कुर्बानी बहुत बड़ी है, मैं उस पर चर्चा नहीं कर सकता। उनके गुरु आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, उनके गुरु आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को मैं इतना स्मरण करता हूँ, उन्हीं के नाम से महाराज जी उड़ीसा में जाकर देव मेरी आओ मेरी में समाओ, गुरुदेव मेरी आओ मेरी बहुत बढ़िया। चलते हैं दीप प्रदान की स्त्रियों में, अनिता जी आइए। तो सितत सगड़ी के गुण गाते रहो, सितत सगड़ के गुण गाते रहो। पीछे में प्रथम राखी बन रही है, प्रेम का बंधन, धर्म का बंधन, ओ भाई का बंधन, बहन का बंधन, ये है रक्षा बंधन, धर्म का बंधन। ताली बजाओ। तुम बंधन बनाते चलो, सबक सागर गुरु से बंधन बनाते, माता सरस्वती तो कृपा की सबका उधारी कर दे, माता सरस्वती तो कृपा इच्छाओं कर दे। अब सुनीता जी आरती करने के लिए आई। शिवाय के चरणों में नमन, और शिवाय के चरणों में नमन, सिद्धांत सागर से दीक्षा लेकर, सौभाग्य सागर जी महाराज की राखी बंधन है ऐसा, ये सागर को राखी बांध कर चलेगा। इसके बाद छुल्लक सुजुल सागर जी के लिए गौरव पटोरी, लेकिन इनकी बहन भी इंदौर में और छुल्लक जी भी इंदौर निवासी हैं। श्री जी हमारे मामाती जी मीना जी आदर जी इनका जी आए और यहाँ पर रक्षक की माता का अभ्यास करेंगे। रवि राखी बांध कर सबको मोक्ष जाना। ठीक माता जी, सरिता जैन सरपी विहार, माला जैन अर्जुन नगर और नूतन जैन वर्षा साहिबी। शुभ को सूत्री बनाओ
और माता मैया को सूत्र में बांधो, सुवर्ण को सूत्र बनाओ। राखी को बनाने का, अरे राखी बना कर सूत्र बना कर रक्षा पर्व मनाओ रे। अरे अरे